आपको पीस आ ही नहीं सकता। आप बड़े काम, ये देखिए शादीशुदा लोग हैं ना इसीलिए स्माइल कर रहे हैं, ये समझ गए मेरी बात को, दिल से समझ गए कि ऐसे ही। आप पूरी दुनिया को जाके ये जो लेक्चर देते हैं ना पीस के, वो घर जाके देखे उनकी बेगमात या उनके हस्बैंड उनके साथ करते क्या है। कंग फू पांडा तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, उसमें कहते हैं आई नीड इनर पीस, आई यूज टू लाफ एट दैट, व्हाट इज इनर पीस। पीस घर से शुरू होता है, और मैं आपको बताऊं पीस माँ से शुरू होता है। Respective chief guests had arguably ज्यादा chairman of public image to come on stage and share their valuable thoughts on peace. सबसे पहली बात तो ये कि मुझे खुशी हुई यहाँ पर आके, यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, पीस जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलस्तीन में पीस, अमेरिका में पीस, दहशतगर्दी फलाना, हम पीस को बेसिक लेवल पर नहीं लेकर आते, हम पीस को अपने घरों में नहीं ढूंढते। हम कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है। क्या आपकी माँ पीस में है? पीस घर से शुरू होता है, और मैं आपको बताऊं पीस माँ से शुरू होता है। अभी मैं लंदन जाकर आई हूँ, तो वहां पर गिव वेज होते हैं, आपको पता है सिग्नल्स होते हैं, गिव वेज होते हैं। वहां पर हर गोरा जो है ना वो खड़ा होकर आपको स्माइल के साथ कहता है आप पहले चले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसने जाके टेक्नोलॉजी यूज करनी है, मैं तो। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक नॉर्मल बंदा जिसने जाके दुकान पे बैठना है, अपना वक्त जाया करना है, या जो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, वो कभी नहीं रुकता, वो सिग्नल पे नहीं रुकता, गलत जगह पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम लोग। मैं बड़ी ग्रॉस लेवल की बात करूंगी, हमारा पीस क्यों खराब होता है। मेरा दिल करता है, मेरा खून उबलता है कि मैं उतर के ना, और मैं पहले ये कर भी दिया करती थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू डू दैट। मेरा बहुत दिमाग, अल्लाह ने मेरा दिमाग बड़ी जगह पर लगाया। मैं ना चाबी अपनी गाड़ी की निकालती थी, और जो गाड़ी गलत पार्क होती थी ना, मैं उस पर जाके लिखाती थी लर्न टू पार्क चाबी से, ताकि वो नेक्स्ट टाइम गलत पार्किंग ना करे। अब मुझे इस वक्त यह एहसास नहीं होता था कि मैं पता नहीं उसको सीधा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं खुद गलत हो रही हूँ। आपको पता है जब हमें कोई गुस्सा आता है ना, अक्सर हमारी, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है, अगर आप मैरिड होते तो मैं कहती आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये ऐसा रिलेशनशिप है कि आपको पीस नहीं आ सकता। ये आपको फ्यूचर में जाके पता चलेगा जब आपकी शादियां होंगी कि आपको पीस आ ही नहीं सकता। आप बड़े काम, ये देखिए शादीशुदा लोग हैं ना इसीलिए स्माइल कर रहे हैं, ये समझ गए मेरी बात को, दिल से समझ गए कि ऐसे ही। आप पूरी दुनिया को जाके ये जो लेक्चर देते हैं ना पीस के, वो घर जाके देखे उनकी बेगमात या उनके हस्बैंड उनके साथ करते क्या है। आप दुनिया में हर इंसान के पास एक ऐसा शख्स होता है जिसके साथ वो अपना पीस लूज कर जाता है, उसको गुस्सा आता है, वो कहता है यार ये मेरी बात समझता क्यों नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं कि पहलवान वो नहीं जो कि किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर ले। ये बातें हमने बहुत दफा सुनी नहीं है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल बातें असल में हमने सुनी इस तरह से है, हमें इस तरह ड्रा कर या इस तरह से उसको बोरिंग बनाकर सुनाई गई है कि हमारा दिल ही नहीं करता बहुत सारी बातें, बहुत अहम बातें कि हम उनके ऊपर गौर करें। सबसे बड़ी जंग जो है ना, सबसे बड़ी जंग वो हम जब हमारी बहस हो रही होती है ना, वो हम अगले से नहीं कर रहे होते, सबसे बड़ी जंग वो हम अपने आप से कर रहे होते। मैं कुरान पढ़ाती हूँ मंडे टू वेनसडे, मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं लाइव कुरान पढ़ाती हूँ। हम सूरह अल हुजरात अगर पढ़ लें ना, अगर हम उसमें देख लें कि कुछ गुमान गुनाह होते हैं, अपना जर्फ अच्छा रखो। एक मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी, ये मैं ये चाह रही हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, अगर आप में से एक मेरी बात मान लेगा ना, मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई है। मैं बहुत, I'm a successful person. I don't want to be successful in terms of worldly things. I want to be successful कि मैंने एक इंसान को किया। हम ग्रजेस रखते हैं। आप ये देखें, आप कोई पानी का ग्लास ले आए, पानी का ग्लास आप हाथ में पकड़ लें, क्या होता है वजन पानी के ग्लास का? कोई वजन होता है पानी के ग्लास का? नहीं होता ना। ये आपने पकड़ लिया, आप उसको पकड़े रखें, एक घंटे बाद वो आपको भारी लगेगा, दो घंटे बाद आपको वो लोहे की तरह भारी लगेगा, तीन या चार घंटे बाद डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आपका हाथ शल हो जाएगा और वो नीचे गिर के टूट जाएगा। आप नहीं पकड़ सकते। आप सेम गोज विद द ग्रजेस, सेम गोज विद द फैक्ट्स कि आपको फलाने बंदे का पता है यार वो मेरे साथ बुरा है, उसने मुझे दुख दिया है, उस दुख को उठा के मत रखें। जितनी देर तक उठा के रखेंगे वो भारी हो जाएगा। आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश सोती हूँ, इसलिए कि मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। कोई मेरे साथ ज्यादती कर दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस वक्त जरूर फर्क पड़ता है कि यार मैंने कहीं मुलाजिम को तो नहीं डांट दिया, मैंने कहीं बहन से बदतमीजी, मैंने माँ के साथ तो ऊंची आवाज में कर लेते हैं सारे, मैं भी कर जाती हूँ,
लेकिन बाद में अपोलोजीज करके सोती हूँ। मुझे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है तो मुझे नींद ना आ रही हो। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि यार मैंने फलाने के साथ ज्यादती कर दी, मैं अल्लाह मुझे इतनी, मैं खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अल्लाह से उस रात दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं सुबह उठ के, चाहे वो मेरी मुलाजमा ही क्यों ना हो, कि मैं सुबह उठकर उसको सॉरी बोल दूँ। मैं सिर्फ आपको पीस का एक हल बता रही हूँ। कश्ती जब डूबती है तो कश्ती किस पानी से डूबती है? वो गैलन पानी, बहुत ज्यादा पानी जो समंदर का या झील का होता है, कश्ती उस पानी से डूबती है? नहीं, कश्ती उस पानी से डूबती है जो कश्ती के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस गम, परेशानी, मुसीबत को आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे, वो आपको लेकर डूब जाएगा। अपने अंदर पीस लेकर आए। किसी इंसान की बात बुरी लगती है तो उसको गाली मत दें। कुरान पढ़ें, कुरान समझें, अच्छा गुमान रखें। किसी इंसान की बुरी बात देखें। लास्ट टाइम ये हुआ, मेरे ऑफिस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मेरी रिश्तेदार खातून आई, इन्होंने एक चीज उठा ली मेरे ऑफिस से, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार देखो, शी इज माई रिलेटिव और उसने इस तरह की हरकत की। फिर मैंने ये सोचा कि गुनाह की ताकत ना देना भी अल्लाह का गिफ्ट है। अगर अल्लाह ने मुझे ये गिफ्ट दिया है तो मैं इस गिफ्ट के ऊपर उसको कैसे बुरा समझ सकती हूँ? लोगों को बुरा मत समझें, अपने आप के अंदर ढूंढें। अगर किसी के अंदर कोई बुराई नजर आती है ना, फलाना चोरी कर रहा है, फौरन देखिए मेरे अंदर तो बुराई नहीं है, फलाना जो है वो गीबत कर रहा है, मेरे अंदर तो गीबत नहीं है। और ये आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। कंग फू पांडा तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, उसमें एक कहता है आई नीड इनर पीस। आई यूज्ड टू लाफ एट दैट, व्हाट इज इनर पीस। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें, कि पास जो है वो किसी ने गुजर गया, जो भी हो गया, फ्यूचर जो आने वाला है, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, उसको इंजॉय करें। अपने माँ बाप हयात है, ठीक है, खुश है, सेहतमंद है, आपको सुकून की नींद आ रही है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब अपने माँ बाप को याद करोगे, तब सुकून की नींद नहीं आएगी, तब ये पीस नहीं आएगा। अभी जो पीस है ना, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दो। आज मेरी आंखों में दर्द है, मैं आपको पता है आर्ट करती हूँ, जिससे मैं स्कूल्स चलाती हूँ, खवातीन के कुछ प्रोजेक्ट चलाती हूँ। अल्लाह मेरे बड़े लोगों का वसीला मुझे बनाया, आंखों से बनाया हुआ ना। आज मुझे आंखों से नजर क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि मेरी आंखों में तकलीफ है। तो मैं सुबह से अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही, अल्लाह मेरी आंख में दर्द है, अल्लाह ये क्या हो गया, मैं अब क्या करूंगी, मैंने ये पेंटिंग डिलीवर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, अल्लाह मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि तूने मुझे इतने कंफर्ट में रखा हुआ था। आज मैं जब डिसकंफर्ट हुई हूँ, आंखों में पेन हुआ है, तो मैं तेरा शुक्र अदा कर रही हूँ। तो अपने अंदर पीस लाए। सबसे बड़ी बात आज की आपने जो बांध लेनी है, अपनी माओ को पीस में लेकर आए। आपकी माँ जन्नत में होगी, तब उसके पाँव के कदमों तले आपको जन्नत मिलेगी। जजाकल्लाह।